कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 710 है। टेस्ट लगभग 16,222 हुए हैं जिसमें से 710 पॉजिटिव आए हैं। रिकवरी जो ठीक होकर मरीज घर गए हैं वो 373 है। मध्य प्रदेश में कुल 15,684 रिकवरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा के साथ साथ आज सभी जिलों में कुछ गाइडलाइन भी दी हैं। उसमें यह सुनिश्चित किया गया है क्योंकि विगत दिनों मध्य प्रदेश में एक दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया था, दो रविवार ये लॉकडाउन हुआ और बहुत सफलतापूर्वक ये लॉकडाउन हुआ और इसमें सबसे सकारात्मक बात थी कि पुलिस को सख्ती नहीं करनी पड़ी, समाज ने स्वयं आगे आकर इस लॉकडाउन का उपयोग किया और उसको सफल बनाया। आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि हर जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठकर दो दिन का लॉकडाउन हर जिले में लगाया जाए। यदि जिले की स्थिति बहुत अच्छी है तो उस पर विचार किया जा सकता है एक ही दिन का, परंतु क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यदि तैयार होता है तो दो दिन का लॉकडाउन लगना चाहिए और वो लगातार दो दिन का हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। उसके साथ ही इस पूरे कोविड संकट में जो अलग अलग एडवाइजरी हैं, चाहे वो आईसीएमआर की हो, चाहे चिकित्सा शिक्षा चिकित्सा विभाग की हो, उन सब का सख्ती के साथ पालन हो, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। ये भी सुनिश्चित किया गया है कि निजी और सरकारी प्रतिष्ठान, चाहे वो ऑफिस हो या बिजनेस प्रतिष्ठान हो, वहां आगे आने वाले दिनों में उपस्थिति पर भी कहीं ना कहीं कुछ रोक लगाई जाए। एडवाइजरी ये जारी की जा रही है कि 30 से और 50 प्रतिशत ही कर्मचारियों की उपस्थिति रहे। उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जिस निजी प्रतिष्ठान में यदि कोई पॉजिटिव केस निकलेगा तो जैसा पहले निश्चित किया गया था वो प्रतिष्ठान 7 दिन तक बंद रहेगा, तो उस प्रतिष्ठान के संचालक की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रतिष्ठान में सभी तरह के एडवाइजरी का पालन करें, मास्क सैनिटाइजेशन और आपसी सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें, ये भी सुनिश्चित जिला प्रशासन करवाएगा। अभी तक रात में 10 बजे तक दुकानें खोलने का निर्णय प्रशासन का था, पर आज ये निश्चित किया गया है कि रात का कर्फ्यू 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा, इसको भी जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा। यदि इन सब गाइडलाइन का पालन नहीं होता है और कहीं कोताही बरती जाती है तो इसमें एफआईआर दर्ज करना और आर्थिक दंड का भी सुनिश्चय हो, इसकी भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संकट में मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ उस निदान में लगी है और आगे आने वाले दिनों में इन सब गाइडलाइन का क्या असर होगा इसकी समीक्षा अगले हफ्ते पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टर एसपी के साथ करेंगे।